बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न 1 व 2 और आज हम हल करेंगे आगे के प्रश्न। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल आपको ज्ञात करने हैं। हम पढ़ चुके हैं दशमलव संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, सेम प्रोसीजर होता है, बट यहाँ पर हमको जो बार लगाना होता है वो अलग तरीके से लगता है। कैसे लगता है इसमें बार? 2.56। वर्गमूल ज्ञात करना है भागफल विधि से, तो कैसे करेंगे? बार लगाएंगे सबसे पहली स्टेप, पॉइंट के बाद वाली संख्या में बार आगे से लगाते हैं, तो ये लगा दिया बार, और पॉइंट के आगे वाली संख्या में बार इकाई अंक से लगता है, तो ये लगा दिया यहाँ बार। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखिए, यहाँ है 2, हमको ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग 2 से कम या 2 के बराबर हो। तो हम देखते हैं कि 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 हो जाता है, तो किससे भाग लगेगा? यहाँ 1 से, 1 का वर्ग 1 माइनस किया तो यहाँ आ गया 1, और यहाँ पर इस संख्या का दुगुना, 1 का दुगुना 2। क्लियर? अब उतरेगा क्या यहाँ पर? 56, क्योंकि 56 पे बार है तो ये एक साथ उतरेगा। और यहाँ ये ध्यान रखना है, अब ये दशमलव है तो यहाँ पर भी दशमलव लगेगा। क्लियर? बस इतना ही अंतर है। अब देखिए, 2 में किसका गुणा करें कि लास्ट में आना चाहिए ये 6, 156 चाहिए, तो जिसका इकाई अंक है 6, तो 6 कब आता है? 4 का वर्ग हम जानते हैं, 4 चौक 16 होता है, तो 4 से आ सकता है। देखिए 4 से करके देखते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आया, जो कि 156 से कम है। दूसरा आप ध्यान दीजिए कि 6 किसके अंत में आता है? 6 गुणा 6 36 होता है, तो यहाँ पर 6 का गुणा करके देखते हैं, 6 गुणा 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 प्राप्त हो गया, हमको 156 ही चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 6, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 6, और क्या मिल जाएगा? 156 माइनस करने पे यहाँ आ जाएगा 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए 2.56 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ? 1.6। ये रफ में करेंगे ये सारा वर्ग आप। क्लियर हुआ कैसे करना है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7.29 वर्गमूल निकालना है, बार लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ आगे से बार लगा और यहाँ इकाई अंक से बार लगाया और फॉर्मेट बनाया। अब आगे क्या दे रखा है? 7, तो ऐसी वर्ग संख्या देखिए जिसका वर्ग 7 से कम या 7 के बराबर हो। तो हम देखते हैं 2 दूनी 4 होता है और 3 3 9 हो जाएगा, 9 तो इससे ज़्यादा है, तो किसका भाग लगेगा? 2 का, 2 दूनी 4 माइनस करेंगे, 7 में से 4 गए, बचे 3, यहाँ लिख देंगे 3, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का दुगुना 4। अब नीचे क्या उतारेंगे? ये 29 पूरा एक साथ नीचे उतरेगा, तो यहाँ आ गया 29, और दशमलव का ध्यान रखना है, यहाँ ऊपर क्या लगेगा? दशमलव। क्लियर? अब देखिए 4 के आगे किसका गुणा करें? हमको क्या चाहिए इकाई स्थान पर? 9 चाहिए, 7 7 49 होता है, 7 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है? 49, जिसका इकाई अंक 9 है और 9 ही हमको चाहिए, तो करके देखते हैं, 7 7 49, 4 हासिल, 7 चौक 28 और 4 32 प्राप्त हो गया 329, तो किसका गुणा किया है हमने? 7 का, तो क्या प्राप्त हो गया है? 329। क्लियर? इसलिए क्या लिख सकते हो? 7.29 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया? 2.7। क्लियर है? तो ये दशमलव वाले में सिर्फ आपको दशमलव लगाना ध्यान रखना है, बाकी प्रक्रिया वैसी ही रहेगी। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 51.84 सबसे पहला बार लगेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है? 51, आप जानते हैं 7 7 49 होता है और 8 8 64 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका भाग लगेगा? 7 का,
तो सात और यहाँ आएगा सात और यहाँ आएगा 49, माइनस करेंगे बच गया दो, और यहाँ सात का डबल कितना हो जाएगा 14, और नीचे क्या उतरेगा एक साथ, ये पूरा एक साथ उतरेगा 84। अब देखिए 14, 14 के आगे हमको चार चाहिए 21 स्थान पे, तो चार कब मिल सकता है, दो दूनी चार मिलता है, दो का वर्ग चार होता है, इसलिए यहाँ पर दो का गुणा करके देखते हैं, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो एकम दो, मिल गया 284। तो किसका गुणा किया है हमने यहाँ पर, दो का, अब यहाँ पॉइंट लगेगा और ये दो, तो क्या मिल गया हमको 284, माइनस करने पे शून्य प्राप्त हुआ। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 51.84 बराबर किसके होगा 7.2 के। क्लियर, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 42.25 वर्गमूल निकालना है, बार लगा दिए। देखिए पहला अंक है, पहली संख्या है 42, 6 गुणा 6 36 और 7 गुणा 7 49, तो किसका भाग लगेगा 6 का, तो लगाया 6 से ये प्राप्त हुआ 36, माइनस किया तो कितना हो गया 4 और 2 6, यहाँ आ गया 6 और यहाँ 6 का डबल लिख दिया 12। नीचे क्या आएगा 25 पूरा एक साथ आएगा, 12 में किसका गुणा करें कि हमको 625 मिले, इसका इकाई अंक है 5, तो 5 चाहिए तो 5 का ही होगा, देखते हैं करके 5 गुणा 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, मिल गया 625। तो किसका गुणा किया 5 का, उससे पहले यहाँ पर क्या लगेगा दशमलव और 5 और यहाँ मिल जाएगा 625, माइनस करेंगे तो शून्य। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल किसका 42.25 का क्या प्राप्त हुआ 6.5। क्लियर, क्या करना है समझ में आया, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 31.36 फर्स्ट स्टेप बार लगाएंगे, ये दशमलव से पहले वाला, ये दशमलव के बाद वाला, फॉर्मेट बनाया, दशमलव से पहले है हमारे पास 31, तो किसका भाग लगेगा 4 चौक 16, 5 गुणा 5 25 और 6 गुणा 6 36, तो 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 गुणा 5 25, लगाया 5 का क्या प्राप्त हुआ 25, माइनस करेंगे बच जाएंगे 6, नीचे क्या आ जाएगा 36, यहाँ 5 का डबल हो गया 10। अब देखिए 10 आपको लास्ट में चाहिए 6, कब आता है या तो 4 चौक 16 या 6 गुणा 6 36, तो 4 से करके देख लेते हैं, 4 चौक 16, 4 0 0 और 1, 4 एकम 4, ये मिल रहा है 416 जो कि इससे कम है, 6 का करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 106 गुणा 6, 6 गुणा 6 36, यह आया 3, 6 एकम 6, 636 मिल रहा है, तो किसका गुणा करना होगा आपको यहाँ पर 6 का, दशमलव याद रखना है और आ जाएगा यहाँ 6 और यहाँ मिल जाएगा 636, माइनस करेंगे तो शून्य। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए अंडर रूट 31.36 किसके बराबर मिलेगा 5.6। क्लियर, समझ में आया, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ऐसे हमने उदाहरण में किया है, तो इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो ऐसी संख्याओं में ये आपको कुछ संख्याएं दी गई है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जब आप इसको भागफल विधि से हल करेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे, तो आपको क्या होगा, नीचे शेषफल प्राप्त होगा, जो शेषफल प्राप्त हुआ है वह यदि इन संख्याओं में से घटा दिया जाए तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। किया था ना ऐसा उदाहरण, तो इसको भी हल करते हैं। देखिए पहला है 402, तो देखिए भागफल विधि से पहले इनका वर्गमूल निकालते हैं, भागफल विधि से वर्गमूल
निकालने पर, कैसे निकालते हैं भागफल विधि से वर्गमूल? ये 402 दिया गया है, बार लगाएंगे, पीछे से शुरू करेंगे बार, ये दो बार लगी हैं, दो बार लगी है मतलब वर्गमूल में कितने अंक प्राप्त होंगे? दो। अब पहला अंक है 4, तो किसका लगेगा? दो का, दो दूनी 4, यहाँ पर आ गया 2 दूनी 4, और यहाँ 2 का डबल हो गया 4, 4 में से 4 चले गए तो बच गए 0, नीचे क्या उतरेगा? ये 0 2 एक साथ नीचे उतरेगा। अब देखिए हमको चाहिए 2, यहाँ पहले से रखा है 4, 4 में यदि आप सबसे छोटा अंक अगर 1 का भी गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 41, जो कि 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब किसका गुणा करना होगा? यहाँ पर 0 का, 0 का गुणा करोगे तो आप क्या मिल जाएगा? 0 गुणा 0 0 0 गुणा 4 0, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 0 और यहाँ मिल गया हमको 0, माइनस किया तो प्राप्त हुआ 2, तो इसका मतलब शेषफल बच रहा है। अगर शेषफल नहीं बचता तो इसका मतलब जो संख्या दी गई है वह पूर्ण वर्ग होती और जो भागफल मिलता है वह उसका वर्गमूल होता, परंतु यहाँ हमको क्या मिल रहा है? शेषफल प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि जो 402 संख्या दी गई है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और यदि इसमें से ये 2 घटा दिया जाए तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी और जो इसका भागफल है वह उस संख्या का वर्गमूल होगा। क्लियर हुआ? तो आप क्या लिखेंगे? ये रफ वर्ग है, चूँकि शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है अतः 402 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर? इसलिए 402 माइनस शेषफल कितना है? 2 बराबर 401 पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्लियर? और इसलिए अंडर रूट 400 और इसका वर्गमूल कितना होगा जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है? 20। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा था, क्या पूछा गया था कि न्यूनतम क्या संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो जो शेषफल प्राप्त हुआ है कितना है? 2, तो जो न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी वह होगी 2, जिससे हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी और उसका वर्गमूल प्राप्त होगा 20। क्लियर है क्या करना है? समझ में आया? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1989 देखिए हल करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर, तो लिख देंगे भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर क्या हो गया? देखिए 1989 बार लगाया पीछे से 2-2 करके और ये फॉर्मेट बनाया। आगे देखिए क्या है? 19, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग इससे ज़्यादा हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो क्या लेंगे हम? 4 का वर्ग। तो भाग लगाया 4 से, 4 चौक 16, माइनस करने पे क्या प्राप्त हुआ? 3, और नीचे क्या उतरेगा? ये पूरा 89 उतरा नीचे, ये 4 का डबल यहाँ हो गया 8। अब देखिए 8 में किसका गुणा करें कि 389 या उससे कम का अंक प्राप्त हो? तो देखिए करके देखते हैं, 7 का किया या 8 का किया, तो कितना हो गया? 8 गुणा 8 64, 8 गुणा 8 64 और 6 70, कितना प्राप्त हो गया? 704। ये तो बहुत ज़्यादा है, तो करते हैं कम, 4 का करके देखते हैं कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 336 प्राप्त हो रहा है। 5 का भी करके देख लीजिए, 85 गुणा 5 5 5 ज़ा 25 5 8 ज़ा 40 और 2 4 2 5, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका गुणा करना पड़ेगा या भागफल में किसका भाग लगाना पड़ेगा आपको? 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ भी आ जाएगा 4 और क्या मिल जाएगा आपको? 336। तो शेषफल कितना बचा? देखिए माइनस करेंगे, 9 में से 6 गए बच गए 3, 8 में से 3 गए बच गए 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये 53 मिल रहा है हमें शेषफल, वह इसमें से घटाना होगा
और इसको घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्लियर? तो क्या लिख देंगे, चूंकि शेषफल कितना है 53 प्राप्त हो रहा है, अतः दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए 1989 माइनस 53, इसमें से 53 घटा देते हैं तो कितना मिलता है, 9 में से 3 गए तो बच गए 6, 8 में से 5 गए तो बच गए 3, 9 में से यहाँ कुछ नहीं है 0, तो यह बच गया 9 और 1, 1936। क्या लिख देंगे, 1936 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, एवं इसका वर्गमूल कितना होगा, 1936 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा, जो इसका भागफल प्राप्त हुआ है, मतलब 44। समझ में आया प्रश्न, जो आपको शेषफल मिल रहा है वह दी गई संख्या में से माइनस कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसका वर्गमूल क्या होगा, जो यहाँ भागफल प्राप्त हुआ है। क्लियर? अगला प्रश्न 3250। तो पूरा लिखना पड़ेगा भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में, ज्ञात करने पर बार लगाया, फॉर्मेट बनाया, किसका भाग लगेगा, देखिए 32 है तो 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36, तो 5 का लगेगा, 5 5 25 माइनस किया, क्या हो गया, 32 में से 5 गए तो बचे 7, नीचे आया 50 और यहाँ 5 का डबल हो गया 10। अब देखिए यहाँ 10 है, यह 700 है, तो आप लगभग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसका गुणा करें हम, 7 का, तो 700 तो आएगा कम से कम, तो ये करा हमने 7 का, देखिए 7 7 49, 4 7 1 7, 749 प्राप्त हो रहा है, तो किसका लगेगा यहाँ पर, 7 का, और 7 से करने पर प्राप्त हुआ 749, माइनस करने पे प्राप्त हुआ 1, शेषफल बच रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या लिख देंगे, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर एक शेषफल प्राप्त होता है, अतः 3250 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए 3250 माइनस शेषफल मतलब 1 बराबर हो जाएगा 3249, एक पूर्ण वर्ग संख्या या एक पूर्ण वर्ग होगा, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, एवं अंडर रूट 3249 कितना होगा, जो यहाँ हमको भागफल प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है, 57। क्लियर हुआ, समझ में आया, शेषफल है वह माइनस कर दिया, तो जो संख्या मिली वह पूर्ण वर्ग है और उसका वर्गमूल कितना होगा, जो यहाँ पर भागफल मिला है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए 825। तो देखते हैं 825 वर्गमूल निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप 8 है तो किसका लगेगा, 2 2 4 3 3 9 हो जाता है, तो 2 का लगेगा, 2 2 4 माइनस करेंगे तो आ गया 4, नीचे आया 25 और ये हो गया डबल 4। अब देखिए 4 में किसका गुणा करें, देखिए 4 8 करके देखते हैं, 8 × 8 64 हो जाता है, 8 चौक 32 और 6 38, आगे का करके देखते हैं 9 से कितना आता है, 9 9 9 9 81, 8 9 चौक 36 और 8, 36 और 8 होते हैं 44, तो ये ज़्यादा हो गया 441, तो किसका लगेगा, 8 का, तो यहाँ आ गया 8, यहाँ भी आ गया 8 और हमको प्राप्त हुआ 384। माइनस करते हैं, देखिए 5 में से 4 गया तो बच गया 1, यहाँ है 2 में से 8 नहीं जाते, तो लिया
12 हो गया, 12 में से 8 गए तो बच गए 4, ये हो गया 0। इसका मतलब 41 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो क्या लिख देंगे, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर 41 शेषफल प्राप्त होता है। इसलिए 825 माइनस 41 कितना प्राप्त होगा, देखो 5 में से 1 चले गए तो बच गए 4, 12 में से गए 4 तो बचे 8, और यहाँ हो गया 7। सही है, वापस से चेक कर लो, 5 में से 4 गए तो 1, 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ हो गया 7। तो इसका मतलब जो 784 है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी एवं इसका वर्गमूल 784 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा, जो इसका भागफल है मतलब 28 इसका वर्गमूल प्राप्त होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 4000, देखिए 4000 सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं भागफल विधि से। 40 से आगे तो 6 का लगेगा, क्योंकि 6 गुणा 6 कितने होते हैं 36, 40 में से 36 गए बच गए 4, नीचे क्या आया दोनों 0, और यहाँ हो गए 6 के डबल 12। अब देखिए 12 में किसका लगाएं, 3 का लगा के देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तीया 36, इसलिए पहले 3 का ही लगाया, 36 40 के पास है ना, इसलिए 3 का लगाया। तो देखते हैं 3 तीया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये प्राप्त हो रहा है। 4 का भी लगा के देखते हैं क्या आता है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, ये ज़्यादा हो जाएगा तो किसका लगेगा 3 का, यहाँ आ गया 3 और यहाँ प्राप्त होगा 369। माइनस करके देखते हैं कितना प्राप्त होता है, 10 में से 9 गए तो बच गए 1, 9 में से 6 गए बच गए 3, तो 31 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर शेषफल 31 प्राप्त हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा 4000 माइनस 31 तो कितना आ जाएगा देखते हैं। ये हो गया 10 में से 1 गए तो बच गए 9, 9 में से 3 गए तो बच गए 6, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 3, यह एक पूर्ण वर्ग होगा, क्लियर। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा एवं वर्गमूल 3969 कितना हो जाएगा, जो इसका भागफल है 63, क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न, देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने ये देखा था कि सब कम से कम क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, और यहाँ पर है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है, ये भी आपने उदाहरण में देख रखा है। तो क्या करेंगे आप, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और यदि शेषफल बचता है इसका मतलब जो आपको भागफल प्राप्त हुआ है उसका वर्ग दी गई संख्या के वर्ग से कम है तो आपको अगली संख्या का वर्ग देखना होगा। देखते हैं हल करके तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहला प्रश्न 525, तो पहला ही सबसे फर्स्ट स्टेप तो होगी भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर। 525 बार लगाया, देखिए अब क्या हुआ, आगे है 5 तो किसका भाग लगेगा 2 का, क्योंकि 2 दुनी 4, 2 दुनी 4, माइनस किया 1 बचा, क्या उतारा नीचे 25, और यहाँ हो गया 2 का डबल 4,
इसका करेंगे 12 है तो आप कर सकते हैं 2 या 3 का, तो चलिए 3 का करके देखते हैं। 129 ज़्यादा प्राप्त हो गया, इसका मतलब 2 से करेंगे, कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 84। तो किसका हुआ यहाँ पर, 2 का यहाँ प्राप्त हो गया 84। माइनस करना पड़ेगा, देखिए क्या आता है, 5 में से 4 गए तो बचे 1, 12 में से 8 गए तो बचे 4। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 41 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये 22 है, 22 का जो वर्ग होगा वह 525 से क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, इस 41 को इसमें से माइनस कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वह उसका वर्गमूल ये प्राप्त होता है, यही करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए 22 स्क्वायर छोटा है 525 से। और इसकी अगली संख्या क्या होगी, एवं अगली संख्या का वर्ग, एवं अगली संख्या का वर्ग मतलब अगली संख्या है 23 का स्क्वायर, कितना होता है देखिए, ये सारा काम आप रफ में कर रहे हैं तो यहाँ 23 का वर्ग निकाल के देख लेंगे। 23 का वर्ग निकालना है, 20 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर आपको ओरल मन में ही करना है। 20 का वर्ग हो जाएगा 400, 3 का वर्ग हो गया 9, और इन दोनों का गुणा किया, 3 2 6 60, और उसका 2 AB होता है इसलिए 60 का डबल 120, तो यहाँ आ गया 120। प्लस कर देंगे, ये हो गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 5, मतलब 529। तो 23 का वर्ग कितना हो गया, इसकी अगली संख्या 22 की अगली वर्ग संख्या होती है 23, और 23 का वर्ग हो गया 529। आपको अब क्या करना है कि 529 में से 525 जो दी गई संख्या है वह माइनस करनी है, तो कितना आता है, इसलिए 529 माइनस 525 बराबर कितना होगा, 4। अतः दी गई संख्या में 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आपको यही पूछा गया था कि कम से कम क्या जोड़ा जाए कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो इसका मतलब दी गई संख्या में क्या जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या में 4 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, और उसका वर्गमूल क्या होगा, ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, अगली संख्या 23 स्क्वायर है, तो अगर 4 जोड़ देंगे तो 529 मिलेगा और उसका वर्गमूल हो जाएगा 23, एवं अंडर रूट 529 बराबर होगा 23 के। आपको वर्गमूल भी पूछा गया था, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी लिखना था, तो इस प्रकार प्राप्त क्या हुआ, 4 जोड़ने पर 525 में 4 जोड़ा तो 529 मिला, और जिसका वर्गमूल है 23। क्लियर, क्या करना है, समझ में आया, सबसे पहले भागफल विधि से वर्गमूल निकाला, शेषफल बचा, इसका मतलब 22 का स्क्वायर 525 से कम है, तो अगली संख्या का वर्ग कितना हुआ वो देख लिया, और उसमें से दी गई संख्या घटा दी, इसका मतलब जो भी उत्तर आया है वह हमको इसमें जोड़ना होगा। क्लियर हुआ, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1750 देखिए, अब वही भागफल विधि से इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, 4 चौक 16 होता है, 4 का लगेगा 4, यहाँ हो गया 16, 17 में से 16 गए तो 1, उतारा नीचे 50, 4 का डबल 8, किसका लगेगा, देखो 8 2 का लगाएंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, कैसे ज़्यादा हो गया, 2 2 4 और 8 2 16, 164, 150 से ज़्यादा है, तो किसका लगाते हैं हम, 1 का, तो क्या हो गया देखिए 81, तो यहाँ लगाया 1 का, यहाँ प्राप्त हो गया 81। माइनस करते हैं, 10 में से 1 गया तो बच गया 9, 14 यहाँ हो गया 14, 4 हो गया तो 14 में से गए 8 तो बच गए 6, 69 शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए 41 का वर्ग छोटा है किससे, 1750 से। अगली संख्या का वर्ग,
अगली संख्या का वर्ग। 41 के बाद क्या आएगा? 42। और 42 का वर्ग कितना हो जाएगा? देखिए रफ में काम करते हैं हम यहाँ, तो 42 को लिख सकते हैं 40 प्लस 2 का वर्ग। ओरल करना है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 40 का स्क्वायर 16 100 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दूनी 8 80, 80 का दुगुना कितना हो जाएगा? 160। यहाँ लिखेंगे 160, ऐड करेंगे ये 4, ये 6 और ये 6 और 1 7 और ये 1, कितना प्राप्त हुआ? 1764। इसलिए अब आपको क्या पूछा है कि कितना जोड़ा जाए, तो इस 1764 में से क्या घटाना पड़ेगा? जो दी गई संख्या है 1750। देखिए माइनस करते हैं, 4 में से 0 गया तो 4, 6 में से 5 गया तो 1, मतलब जो दी गई संख्या है उसमें 14 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अतः दी गई संख्या में 14 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। क्लियर? और इसलिए जो भी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई है, कितनी है ये? 1764, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 42। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया गया है? 252 भागफल विधि से वर्गमूल निकाला, 2 है तो किसका लगेगा? 1 का। माइनस किया 1, यहाँ पर डबल किया 2, नीचे उतारा 52। अब देखिए 2 में किसका गुणा करें कि 152 या इससे कम आए, तो देखिए 7 का करते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, ज़्यादा हो गया। 5 का करते हैं, 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 12, 125। बीच का और देखेंगे अब, 6 का देखते हैं, 6 गुणा 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156। ये भी ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 5 का ही जाएगा, तो ये कर दिया 5 से, तो प्राप्त हो गया हमको 125। घटाते हैं, 12 में से 5 गए तो 7, 4 में से 2 गए तो 2, कितना प्राप्त हो रहा है? 27। इसका मतलब क्या लिखेंगे आप? इसलिए 15 का जो स्क्वायर है वो छोटा है 252 से। अगली संख्या का वर्ग मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है जानते हैं आप? 256। और नहीं याद है आपको तो आप फटाफट निकाल भी सकते हैं, कैसे? 16 को लिख दिया 10 प्लस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हुआ 100, 6 का स्क्वायर हुआ 36, और 6 गुणा 10 तो हुआ 60, और उसका डबल 120, ये हो गया 120, ऐड कर दिया, यहाँ आ गया 6, 3 और 2 5, और एक 2, आ गया 256। और ये आपको याद भी रखना है, वैसे 20 तक के वर्ग आपको याद रखने हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? इसलिए 256 माइनस क्या दिया गया है? 252 बराबर 4। अतः दी गई संख्या में 4 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। और जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्ग एवं अंडर रूट 256 बराबर कितना हो जाएगा? 16। 4 जोड़ा दी गई संख्या में तो 256 प्राप्त हुआ, और 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1825 देखिए भागफल विधि से वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले बार लगा दिया, आगे है 18, तो 4 का लगेगा, 4 चौक 16, माइनस किया 18 में से 16 माइनस किए तो बच गए 2, और नीचे उतारा 25, 4 का डबल हो गया 8। ठीक है, किसका लगाएं? 4 का लगा के देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, ही तो बहुत ज़्यादा हो गया है, कम करना पड़ेगा। 3 का करते हैं,
तो कितना हो जाएगा, 3 * 9 = 8 * 24, 249, ये भी ज़्यादा हो रहा है तो लगाएंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 * 2 = 4, 8 * 2 = 16, 164, तो यहाँ लगाया है अपने 2 का, तो 164 प्राप्त हुआ। माइनस करते हैं, 5 में से 4 माइनस किए तो बच गए 1, यहाँ हो गया 2 में से 6 नहीं जाते तो कर दिया, 12 में से 6 गए तो बच गए 6, तो ये क्या मिल गया हमको, 61। इसका मतलब शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 61। तो आप क्या कह सकते हैं, इसलिए जो आपको वर्ग मिला है भागफल 42 का स्क्वायर छोटा है 1825 से, इसलिए अगली संख्या का वर्ग, अगली संख्या का वर्ग, अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 43 का स्क्वायर, फटाफट से निकालिए 43 का स्क्वायर, 40 + 3 का स्क्वायर, 4 का हो गया 1600, 3 का हो गया 9, 4 * 3 = 12, 120, 120 का डबल 240, 9 + 4 = 6 + 2 = 8, ये आ गया 1849, तो 43 का वर्ग होता है 1849, इसलिए 1849 माइनस दी गई संख्या कितनी है, 1825, कितना आ रहा है देखिए, 9 में से 5 गए तो बच गए 4, 4 में से 2 गए तो बच गए 2, और ये है 0, 0, मतलब दी गई संख्या में 24 जोड़ने पर क्या आ जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः दी संख्या, दी गई संख्या में 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, इसलिए, और उसका वर्गमूल क्या लिख सकते हैं, एवं जोड़ने पर प्राप्त हुआ आपको 1849, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 43, यहाँ से लिखेंगे 1849, इनका वर्गमूल कितना होगा, 43, 43, क्लियर हुआ, समझ में आया, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6412, बार लगाया सबसे पहले भागफल विधि से, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, आगे है 64, तो आप जानते हैं 8 * 8 = 64 होते हैं, तो 8 का लगाया, माइनस किया 0 प्राप्त हुआ, उतारा यहाँ पर 12, और यहाँ पर है 8। अब देखिए 8 में सबसे छोटे अंक का आपने लगाया, तो 1 का लगाया तो आपको 81 मिल रहा है, जो 12 से बड़ा है, तो आपको 1 से भी छोटा अंक कौन सा है, 0 का लगाना होगा, तो यहाँ लगाया 0, यहाँ आया 0, और यहाँ मिल गया आपको 0, और शेषफल बच गया 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए 80 का वर्ग छोटा है किससे, 6412 से, अगली संख्या का वर्ग, अगली संख्या का वर्ग, अगली संख्या कौन सी, 81 का वर्ग कैसे निकलेगा, 80 + 1 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, 80 का स्क्वायर आप जानते हैं 6400, 1 का वर्ग 1, और 80 * 1 80, इसका डबल कितना हो जाएगा, 160, तो यहाँ लिख देंगे 160, ऐड करना है, पीछे आ जाएगा 1, 6 * 4 + 1 = 5, और 6 5 6 1, क्या मिल गया, 6 5 6 1, तो ये क्या है, 6 5 6 1, 81 का वर्ग, मतलब वर्ग संख्या है, इसलिए 6 5 6 1 माइनस दी गई संख्या कितनी है, 6 4 1 2, माइनस करके देखते हैं क्या आता है, 11 में से 2 गए, कितने बच जाएंगे, 9, यहाँ हो गया 5, 5 में से 1 गए तो बच गए 4, यहाँ हो गया 5 में से 4 गया तो 1, तो दी गई संख्या में कितना ऐड करना होगा, 149, तो क्या लिखेंगे, इसलिए दी गई संख्या में 149 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, क्लियर, और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, एवं अंडर रूट जोड़ने पे कितनी संख्या प्राप्त हुई, 6561, और उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 81, क्लियर, यही पूछा था, संख्या में क्या जोड़ा जाएगी वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 149 जोड़ा जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी और उसका वर्गमूल हो जाएगा 81, क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न संख्या 6, देखिए क्या दिया गया है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हल करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और बराबर दिया गया है 441 मीटर स्क्वायर के। इसका मतलब, इसलिए भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे, भुजा स्क्वायर बराबर 441 है, इसलिए भुजा बराबर वर्गमूल 441 हो जाएगा। समझ में आया? तो 441 का वर्गमूल आप निकाल ही सकते हैं। आगे 4 है तो 2 दूनी 4, 2 का लगाया, यहाँ आ गया 4, माइनस किया, ये कैंसिल, ये बच गया 41, और यहाँ आ गया 2 का दुगुना 4, 1 का लगा देंगे तो यहाँ पर आ गया 41। इसलिए अंडर रूट 441 बराबर कितना आ गया, 21। अतः वर्ग की भुजा बराबर कितना आ गया, 21 मीटर। समझ में आया? वर्ग का आपको क्षेत्रफल दिया गया है जो कि होता है भुजा स्क्वायर, और जो दिया है 441 मीटर स्क्वायर। तो भुजा निकालनी है, इसका मतलब इसका वर्गमूल लेना होगा, और वर्गमूल हमने भागफल विधि से ज्ञात कर लिया तो कितना प्राप्त हुआ, 21। इसका मतलब जो वर्ग दिया है उसकी भुजा है 21 मीटर। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B आपको दिया गया है 90 डिग्री। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तो AC ज्ञात करनी है। इसके हल करने से पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा आपको सबसे पहले, और B पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो गया पॉइंट B, जहाँ पे क्या दिया गया है, समकोण। अब आप A इसको मान लीजिए, B, A, B, और ये हो गया C। क्या दिया गया है, देखिए AB 6 दिया गया है, AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, तो आपको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। इसको मान लिया हमने X। तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लिख देंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण स्क्वायर बराबर, या ठीक, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। पढ़ाई है आप लोगों ने छोटी क्लास में, 7th क्लास में। तो देखिए, आधार, आधार कितना है यहाँ पर, 6 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, 8, 8 का स्क्वायर, बराबर कर्ण का स्क्वायर नहीं पता है इसलिए हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, 6 का स्क्वायर पता है आपको 36, 8 का स्क्वायर 64 बराबर एक्स स्क्वायर, या इन दोनों को ऐड किया कितना हो गया, 6 और 4 10, 6 और 3 9 1 10, तो एक्स स्क्वायर का मान आपको प्राप्त हो रहा है 100। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, आगे यहाँ देखिए, इसलिए एक्स का मान हो जाएगा वर्गमूल 100। दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो एक्स स्क्वायर 100 है, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 100, या वर्गमूल 100 का वर्गमूल। अब 100 का वर्गमूल निकालना है आपको भागफल विधि से, एक एक से जाएगा, एक का डबल यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर कट गया 0, यहाँ मिल गया 0, तो किसका लगेगा अब यहाँ पर 0 का, तो आपको 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक्स बराबर कितना प्राप्त हुआ, 10, या 10 सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर। तो AC की लंबाई आपको प्राप्त हो गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर? क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर से ही प्रश्न हल करना है। ठीक है, चलते हैं इसके बी पार्ट पे। क्या दिया है, वही आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बी पे 90 डिग्री है तो ये पॉइंट हो गया बी, ए सी, ये मान लिया ए, ये मान लिया सी, ए सी दिया है आपको 13, बी सी दिया है आपको 5, और पूछा है
ए बी, अब आपको आधार पूछा है एक्स, तो वापस वही करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर का मान है 13 का स्क्वायर बराबर, आधार का मान नहीं पता तो एक्स स्क्वायर प्लस लंब का मान आपको दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर आप जानते हैं 169, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर भी जानते हैं 25, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 160, पक्षांतरण कर दिया 25 इधर आ गया और इधर बच गया एक्स स्क्वायर, माइनस कर दिया कितना आ जाएगा 169 में से गए 25, तो कितना आया देखो, 9 में से 5 गए तो बच गए 4, 6 में से 2 गए तो बच गए 4 और ये 1, ये मान आया एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, अतः एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा 144 का, और वो हम जानते हैं किसका होता है, इसलिए एक्स बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, क्योंकि 12 का वर्ग 144 याद है आपको, तो इसका मतलब जो भुजा हमको ज्ञात नहीं थी ए बी, उसका मान आ गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर, कैसे करना समझ में आया, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8, देखिए क्या दिया गया है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे, 10 पंक्ति है तो 10 ही कॉलम है, क्लियर है। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो, कम से कम उसको और कितने पौधों की आवश्यकता होगी, अभी उसके पास है 1000 पौधे, अब वो इस तरीके से लगाना चाहता है पौधों को कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर रहे, इसका मतलब उसके पास जो पौधों की संख्या है वह वर्ग में होनी चाहिए, क्योंकि क्या करेंगे, ये जितनी पंक्तियाँ, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, तो इसका मतलब पौधे कितने होने चाहिए इसमें, वर्ग की संख्या में होने चाहिए। तो देखते हैं, पहले आप सबसे पहला स्टेप तो क्या करेंगे, 1000 का वर्गमूल निकालेंगे, तो देखिए हल 1000 का वर्गमूल निकालने पर तो क्या आ जाएगा, देखिए 1000, 10 है आगे, 3 तिया 9, 3 का लग जाएगा, यहाँ आ गया 9, माइनस किया 1 बचा, नीचे आया है 2 0, यहाँ 6 हो गया, डबल कर दिया। अब देखिए 6 में अगर 2 का लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ज़्यादा हो गया 124 से, तो किसका लगेगा 1 का, तो कितना आ जाएगा 61, तो यहाँ आया 1, यहाँ भी आया 1 और यहाँ प्राप्त हो गया 61। अब माइनस करते हैं कितना आता है, देखिए 10 में से 1 माइनस किया तो बच गया 9, और 9 में से 6 गए तो बच गया 3, तो यहाँ 39 शेषफल प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 31 का वर्ग है वह 1000 से क्या होगा, कम होगा, देखिए, इसलिए 31 का वर्ग छोटा है किससे, 1000 से। तो अगली संख्या का वर्ग, अगली संख्या का वर्ग, अगली संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 32 का वर्ग, रफ में करके देख लेंगे, 32 का वर्ग, 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 का वर्ग, तो क्या हो गया 904, 3 दूनी 6 60 होते हैं, 60 का डबल 120, तो यहाँ आ गया 120, ऐड कर देंगे ये 4, ये 2 और 9 और 1 10, 1024। अगली संख्या का वर्ग होता है 1024, इसलिए 1024 माइनस 1000 जो दी गई संख्या है वो कितनी है, 1000 बराबर 24, इसका मतलब उसको 24 और पौधों की आवश्यकता होगी, अतः माली को 24 और पौधों की आवश्यकता होगी,
जिससे कि क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी 1024। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रखनी है, तो इसका मतलब उसके पास जो पौधे होने चाहिए वो पूर्ण वर्ग संख्या में होने चाहिए, और अभी उसके पास पौधे हैं 1000। तो आपसे पूछा है कि कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता है उसे, मतलब उसको और पौधे चाहिए। तो आपको ये शेषफल मिला, इसका मतलब क्या हो गया, 31 का वर्ग क्या है, 1000 से छोटा है। तो आपने अगली संख्या का वर्ग देखा 32 का, वो आ रहा है 1024। तो 1024 माइनस 1000 कर दिया, तो आपको 24 और पौधों की आवश्यकता है, जिससे कि ये क्या बन जाएंगे, अगर आप 24 और ऐड कर देंगे तो पौधों की संख्या वर्ग में प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप इन्हें बराबर पंक्ति और बराबर स्तंभों में विभाजित कर पाएंगे। समझ में आया क्या करना है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 क्या दिए, देखिए। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। जब पंक्ति और कॉलम समान हैं तो मतलब विद्यार्थियों की जो संख्या है वो वर्ग में होनी चाहिए, वर्ग संख्या होनी चाहिए, ठीक है। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? तो आप क्या करेंगे, 500 का वर्गमूल निकालेंगे, जो शेषफल प्राप्त होगा उतने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। भागफल विधि से 500 का वर्गमूल निकालने पर, भागफल विधि से क्या हुआ, 500 का सबसे पहले आपने निकाला वर्गमूल, 2 × 2 = 4 प्राप्त हुआ, 1 बचा 0, 0, और यहाँ 2 का डबल हो गया 4। 4 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 84 हो रहा है। 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 129, जो कि 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका लगेगा यहाँ पर, 2 का, तो यहाँ पर मिला 84। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गए तो बच गए 6, और 9 में से 8 गए तो फिर बच गए 1। तो इसका मतलब आपको शेषफल मिल रहा है 16। तो कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, इसका मतलब जो शेषफल मिला है उतने विद्यार्थियों को यदि बाहर कर दिया जाए तो जो विद्यार्थी बचेंगे उन्हें इस तरह लगाया, खड़ा किया जा सकता है जहाँ स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए। तो क्या लिख देंगे आप, अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। क्लियर हुआ, प्रश्न समझ में आया? जैसे आप उदाहरण कर रहे थे वैसे ही आपको करना है, आपको 500 का वर्गमूल निकालना है, तो जो शेषफल प्राप्त होगा उतने विद्यार्थी अगर बाहर चले जाएंगे या जिन उन्हें बाहर कर दिया जाएगा तो जो विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी वह पूर्ण वर्ग हो जाएगी, जिससे कि उन्हें समान स्तंभ और समान पंक्तियों में खड़ा किया जा सकेगा। क्लियर, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ ये अध्याय हमारा समाप्त होता है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले अध्याय के साथ, तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।